पंजाब राज्यातील कर्तारपूर येथील एका भाविकांनी सचखंड गुरुद्वाऱ्याला तब्बल 2.25 कोटी रुपयाचा सोन्याचा मुकुट भेट दिली आहे। गुरविंदर सिंग सामरा असे या भाविकाचे नाव आहे। गुरविंदर सिंग सामरा हे व्यवसायाने एक डॉक्टर आहेत। यापूर्वी त्यांनी पटना साहिब गुरुद्वाराला 1.29 करोड़ रुपयाचे मुकुट भेट दिली आहे। तब्बल 1.73 कोटी रुपयाचा हिरेजडित सोन्याचा मुकुट भाविकांनी सचखंड गुरुद्वाराला दान केला आहे। सचखंड गुरुद्वाराला दिलेल्या मुकुटात सोने आणि चांदी व हिरे जड़वण्यात आले आहेत। राजस्थान आणि गुजरात राज्यातून सोने आणून दिल्लीला एका कारागिराने हे मुकुट तयार केले आहे। सोमवारी गुरविंदर सिंग सामरा यांनी सोन्याचा हा मुकुट गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव रवींद्र सिंग बुंगई यांच्याकडे सुपूर्द केला। यावेळी गुरुद्वारा बोर्डातर्फे सामरा यांचा सत्कार करण्यात आला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब करतारपुर गुरविंदर सिंह, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा, ये गुरु घर में 1.73 करोड़ रुपए की तखत सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ में कलगी गुरु साहब को अर्पण करने के लिए आए। इन्होंने एक साल पहले गुरुद्वारा पटना साहिब वहां पे भी 1.32 करोड़ रुपए की कलगी अर्पण की। गुरु चरणों में हम अरदास करते इनके परिवार पे, इन पे सब पे गुरु साहब मेहर बनाए रखे और इनके कमैया में बरकत, तंदुरुस्तियां, परिवार में सुख शांति। ये पूजनीय पंच प्यारे साहिबान हजूर साहब की सभी संगत की ओर से और गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से गुरु चरणों में हम अरदास करते गुरु साहब इन पे मेहर बनाए रखे और इनको गुरु घर की, गुरु धामों की इसी तरह सेवा करने का और बल बख्शे। पंजाब करतारपुर जलंधर रहने वाला हूँ, पीछे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा है और श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल चल रहा है। ये भगवान ने खुद ही कृपा की है, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जाने क्या उनको तरस आ गया, कैसे और कैसे हुआ कि उन्होंने खुद ही सारा कुछ किया है, हमने तो कुछ किया नहीं। जैसे उन्होंने ड्यूटी लगाया हमको लेके आएंगे, इसमें कोई हमारा रोल नहीं है, कुछ नहीं। जो कुछ भी किया है वो खुद ही करने वाला खुद ही जानता है, कैसे किया कैसे हुआ वो जाने उसका काम जाने, हम उसके बारे में नहीं जानते। ये कलगी कहाँ कहाँ से तैयार कर रहे हैं और कितनी कलगी है? ये पहले तो इसका जो जितना डायमंड का काम है इसमें पूरी वाइट जितने में सब डायमंड है, ये सूत से सारे बनते हैं बीच, और जितना जो बीच में लगे हुए हैं सारे, ये पूरा